नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। चीन में कोरोना का खतरा, चीन में वेयर हाउस में रखी जा रही हजारों लाशें, सरकार डेली केस रिपोर्ट जारी नहीं करेगी। चीन में कोरोना से हालत बदतर होते जा रही है। इसी बीच रविवार को चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन ने कहा कि वह आज से कोरोना केसेस की जानकारी नहीं देगा, यानी अब चीन की तरफ से नए कोरोना मामलों और संक्रमण से हुई मौतों का डेटा नहीं दिया जाएगा। हेल्थ एजेंसी पिछले 3 सालों से हर दिन कोरोना केसेस की डेली रिपोर्ट जारी करती थी। चीन में इस महीने की शुरुआती 20 दिनों में 24 करोड़ 80 लाख केस सामने आ चुके हैं। मंगलवार को यहां एक दिन में सबसे ज्यादा 3 करोड़ 70 लाख केसेस सामने आए थे। ब्लूमबर्ग के मुताबिक चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन से लीक हुई रिपोर्ट में ये आंकड़े सामने आए। चाइना कम्युनिस्ट पार्टी पर नजर रखने वाली ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जेनिफर जेंग ने शनिवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है। इसमें कोरोना से मरने वाले लोगों के शवों को देखा जा सकता है। जेंग के मुताबिक यह वीडियो एक मस्जिद का है, यहां अंतिम संस्कार के लिए 20 दिन की वेटिंग है। जेंग ने एक ट्वीट में बताया है कि बीजिंग के गोदामों में लाशों को स्टोर किया जा रहा है। इसमें वह गोदाम भी शामिल है जहां सुअरों को रखा जाता है। जैन ने कहा कि युक वेनिंग सब डिस्ट्रिक्ट के एक वेयर हाउस में 15,000 लाशें रखी हुई हैं। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।